सब्र करो जाने मन, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। लेकिन ज्यादा मिठास में कीड़े पड़ जाते हैं डार्लिंग। राधे, बोलो मुझे। मुझे जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए। मुजरिम किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए। लॉ ऑर्डर की धज्जियां उड़ा रखी है उसने। ठीक है सर, हम कोशिश कर रहे हैं सर। ठीक है, पूरे शहर में नाकाबंदी लगा दो। वी नीड रिजल्ट। आज शाम किसी भी तरह से कातिल पकड़ा जाना चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है सर। हाँ, चलो पेपर दिखाओ। ठीक है, जाओ। समझे? ओके। क्या हुआ? इस रिपोर्ट को कमिश्नर साहब के ऑफिस में भेजो। ओके सर। ठीक है, जाओ। ए, चलो रुको, रुको, रुक, 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 रुको। ए, बाहर निकल। रोजर स्टाली सर। जी सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। रोजर स्टाली सर। अरे बाहर आना। बोरे में क्या है? ए, क्या है उस बोरी में? बोरी में क्या है? अरे क्या है उस बोरी में? कोई बात नहीं सर, हो जाएगा। ए, बोरे में क्या है? बोरे में क्या है? मैडम, मैं भाई को बोला कि इस बोरी में आखिर क्या है। मेरे को जवाब नहीं दिया और डांट के बोले कि तू अपना काम कर। क्या है बोरे में? बोल। यहाँ तुम कब से रह रहे हो? बचपन से। तुम तो वही हो ना जो अशोक नगर में रहते हो? जी जी मैडम, आप मुझे जानती हैं ना। इनसे कहो ना मुझे जाने दे, मुझे लेट हो रहा है। व्हाट हैपेंड शुभांगी, क्या हो रहा है? सर, इससे हम काफी देर से पूछ रहे हैं बोरे में क्या है, ये बता ही नहीं रहा है। क्या रे, क्या है बोरी में? कुछ नहीं है सर। क्या है बोरी में? कुछ नहीं है सर। अर्जुन, तलाशी लो, क्या है बोरी में देखो। ले लो। जी मैडम, मैंने कहा था ना कुछ नहीं है, बस कुछ पुराने सामान हैं जिनको मैं फेंकने जा रहा था। और इस रिक्शे वाले को बताया भी था, लेकिन पता नहीं क्यों ये झूठ बोल रहा है। और वैसे भी मैडम, आप लोगों को आम इंसान पे शक करने की आदत है। ए, बकवास बंद कर, चल निकल, चल निकल। जी साहब, जी अभी जाता हूँ। सॉरी साहब, एक बात बोलनी थी। अपना तो खाली पीली टाइम चला गया। अब इस रिक्शे वाले का मीटर देख लीजिए, इसका भाड़ा तो हम ही को भरना पड़ेगा। ए, ज्यादा बोल मत। ए अर्जुन, उठाओ इसको, लेके चल थाने। yes, अरे सॉरी 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 मैडम, सॉरी मुझसे गलती हो गई। चल चल निकल। सॉरी। ए चल। निको
सर ये मुझे बिल्कुल पागल लग रहा है। पागल नहीं, 150 से आना है। सर आप सही कह रहे हैं, रिचा जिस एरिया से गायब हुई है इसकी एक्टिंग मैंने वहाँ भी देखी है। अर्जुन जी मैम, इस पर कड़ी नजर रखो जी, इसके हर एक मूवमेंट की जानकारी मुझे चाहिए जी। माल है भाई, परी तो हाथ ही नहीं रखने देती है यार। लेकिन कब तक ऐसे दूर से दर्शन करते रहेंगे? कोई और आके निगल ले, उससे पहले हम ही उठा लेते हैं उसको। अच्छा हुआ आज लाश के बदले कपड़े लेकर आया, नहीं तो पुलिस ने तो मेरी वाट लगा दी होती। भाई चल। ये रखो, सुनो कुछ और सामान है, कल फिर आ जाना, तुम उसको भी फेंकना है, ठीक है? आएगा ना? ठीक।
चल जल्दी बैठ जल्दी। टेंशन मत ले, जब तक मैं हूं ना कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना मैं सब संभाल लूंगा, तू टेंशन मत ले, ठीक है? फेंक दे, जल्दी कर। कौन हो तुम और ये लोग कौन थे? हे भगवान, कौन हो तुम? उठो उठो। ए, क्या किया तूने? क्या किया तूने? बोल, क्या किया? बोल जल्दी। सर, ये लड़की बेहोश है सर। कौन है ये लड़की? क्या किया तूने इसके साथ? क्या किया तूने इसके साथ? झूठ बोलता है। अर्जुन जी, एक काम करो, जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ और इस लड़की को फटाफट हॉस्पिटल पहुंचाओ। जी सर। कमीने, झूठ बोलता है। हाँ, सड़क पर लड़कियों के साथ
बोल क्या क्या तूने उस लड़की के साथ, बोल। मैडम कितनी बार बोलूं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो पैदल जा रहा था, मैं थक गया था तो वहीं पे बैठ गया था और उतने में ही एक पता नहीं कहां से गाड़ी आई और उस गाड़ी में से उस लड़की को फेंक दिया उन्होंने। मैं तो बस उस लड़की को बचाने गया था, हेल्प करने गया था उसका, मैंने कुछ नहीं किया, सच कह रहा हूं मैं कुछ नहीं जानता। गाड़ी का नंबर? नहीं मैडम, सर कुछ याद नहीं, मैं सच में देख नहीं पाया। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है तू। मैडम मैं सही कह रहा हूँ। सर उस लड़की को होश आ गया है, उसने इसकी फोटो देख के कहा है कि इसने उसके साथ कुछ नहीं किया है, वो तो कोई और है जो उसे हमेशा परेशान करते थे। और हाँ, वो तीन लोग थे जिसने पहले लड़की को किडनैप किया और फिर रेप करके गाड़ी के बाहर फेंक दिया। सर ये तो उस लड़की की मदद कर रहा था। सर देखा, सर देखा मैडम, मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन आप लोग मान ही नहीं रहे हैं, एक आम आदमी को इतना परेशान कर दिया। शिवांगी सॉरी मैडम, सॉरी सर, इसे जाने दो, छोड़ दो इसे।